नमस्कार दोस्तों, जुगाड़ गुरु जी में मैं अनिल फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेके आया हूं आज एक वीडियो। उस वीडियो में काफ़ी अरसे बाद आप मुझे देख रहे होंगे और इस काफ़ी अरसे का एक रीज़न रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से मैं आप लोगों से काफ़ी टाइम से जुड़ नहीं पाया था। और बट मेरे जो वीडियोस थे वो आप लोग देख रहे थे और आपकी उन वीडियोस के मदद से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हुई है और काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे। तो जो रिस्पॉन्स मुझे इस वीडियो के मतलब इन जो चैनल के जरिए और जो वीडियोस मैंने अपलोड करे उनके थ्रू जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है, उन रिस्पॉन्स को देखते हुए मेरा ये ज़रूर फ़र्ज बनता था कि ये वीडियो मैं आप तक लेके आऊँ। इस वीडियो में लाने का एक सबसे बड़ा रीज़न यही था कि आप लोग जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों की कि अभी तक आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे अपनी बच्चे की गाड़ी से रिलेटेड, वो मैं आज इस वीडियो में कवर अप करूंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक बटन दबा ही दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिए मत, क्योंकि अगर आप बच्चों के अपने बच्चों की कार से रिलेटेड या फिर टॉय से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो यहाँ पर देखते हैं हमारे चैनल पर, बहुत यूज़फुल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अन्य आपको किचन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके भी हम वीडियोस यहाँ पर डालते रहते हैं, जो कि रिपेयर करने से रिलेटेड, ज़्यादातर हमारे चैनल का नाम ही है जुगाड़ गुरु जी, तो हम जुगाड़ से ही आपकी चीज़ों को रिपेयर करते हैं। और ये जुगाड़ ऐसी नहीं होती है कि सिर्फ काम के लिए नाम के लिए जुगाड़ है, ये परमानेंट सॉल्यूशंस होते हैं आपकी गाड़ी के रिलेटेड या फिर आपके टॉय से रिलेटेड। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए कि कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए। मैं कमेंट का हर एक कमेंट का आप रिप्लाई देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जितने भी कमेंट्स होंगे लगभग सारे कमेंट्स का मैंने रिप्लाई दिया है होपफुली। और अभी अगर आपको कोई भी मुझसे अगर पर्सनली कोई बात करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप की, जिस ग्रुप को ज्वाइन करके आप हमसे पर्सनली भी कोई अपनी समस्या पूछ सकते हैं। उस ग्रुप में आप मैसेज करिए, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ उस ग्रुप में मैं परमानेंट आपको जो प्रॉब्लम है उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर जो बैटरी देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बैटरी लगाई हुई है हमने, वो 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। कुछ गाड़ी में ड्यूल बैटरी देखने को मिलेंगी, ड्यूल बैटरी से 12 वोल्ट की गाड़ी में देखने को मिलती है, सिंगल बैटरी मतलब 6 वोल्ट की बैटरी होती है। तो अगर आपके पास इस तरीके का ये जो मीटर है वोल्ट मीटर, तो इससे आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर क्या फॉल्ट है। अगर ये नहीं है तो उसके लिए भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप इजीली छोटी मोटी चीज़ें भी डिटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले वोल्ट मीटर को यहाँ पर हम 20 वोल्ट पर सेट कर देंगे। देखिए अभी 0 आ रहा है और साथ ही हम देखेंगे जो ये हमारे पास बैटरी थी उस बैटरी पर आप कितने वोल्टेज आते हैं। तो ये बैटरी आप देख सकते हैं 6.5 वोल्ट निकाल रही है, 6.5 वोल्ट पर हम इसको मेज़र कर रहे हैं। अब वहीं हम क्या करने वाले हैं कि साथ ही साथ आप देखेंगे जो सबसे पहला अभी हमें पता करना है कि हमारी बैटरी सही है कि नहीं, तो आप इजीली इसको मेज़र कर सकते हैं। तो वो जो वोल्टेज बताएगी उससे हमें पता लग जाएगा कि वो बैटरी सही है कि नहीं। अगर वो 6 वोल्ट की बैटरी है तो आपको 6.5 से ऊपर का वोल्टेज इसके अंदर देखने को मिलेगा। सेकेंड इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है कि चार्जिंग का, कि हमारी जो पीसीबी है वो वर्किंग है कि नहीं, जो पीसीबी बोर्ड लगा हुआ है वो वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमें अपनी गाड़ी के अंदर जो चार्जिंग पॉइंट है वहाँ पर उसमें हमें चार्जर कनेक्ट करना होगा। तो ये हमारा चार्जर है, देख सकते हैं आप, ये हमने चार्जर कनेक्ट किया हुआ है। ये हम चार्जर को इसमें कनेक्ट कर देंगे और जब हमने इसमें चार्जर कनेक्ट कर दिया तो अब हमें पता कैसे लगेगा कि चार्जर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले करना क्या है कि अगर आप बैटरी के पास जाके देखेंगे जो वोल्टेज आ रहा है बैटरी पर वो कितना आ रहा है, तो अभी आप बैटरी पर मेज़र करेंगे वोल्टेज तो वो वोल्टेज 6.5 से के लगभग ही आ रहा है। तो अभी हमें पता कैसे लगेगा कि चार्ज कर रही है कि नहीं कर रही है, तो आप क्या करेंगे बैटरी के एक टर्मिनल को निकाल दीजिए। तो हम इसमें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हमने निकाल दिया है और हम नेगेटिव टर्मिनल में हम अपना वोल्ट मीटर का नेगेटिव वाला पॉइंट लगा रहे हैं और हम पॉजिटिव पॉइंट पर इस बैटरी के करंट को मेज़र करते हैं। तो जब आप यहाँ पर मेज़र करेंगे तो आप देखेंगे 7.84 का करंट सप्लाई आ रहा है हमारे पास और ये जो बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट नहीं है, आप देख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल कहीं भी कनेक्टेड नहीं है।
तो इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपको डाउट हो रहा हो तो हम पॉजिटिव टर्मिनल को भी निकाल देंगे। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल को निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि हम पॉजिटिव टर्मिनल में हमने पॉजिटिव वाला वायर लगा दिया और नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव वाला वायर, और ये दोनों वायर पीसीबी से आ रहे हैं, वो वायर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इजीली दिख रहा होगा आपको 7.8 प्लस का आपको वोल्टेज है जो चार्जिंग से मिल रहा है। तो इट मीन्स आपकी चार्जिंग है वो पीसीबी की काम कर रही है। वोल्ट मीटर से काफ़ी चीज़ें हेल्प कर जाएंगी कि पता लग जाएगा कि चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा पीसीबी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बैटरी कनेक्ट करनी होगी। तो आप देख सकते हैं हम चार्जिंग निकाल देते हैं और बैटरी हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब बैटरी कनेक्ट करने के बाद आपकी गाड़ी आने से आपको गाड़ी चालू नहीं करनी है, आपको यहीं पर जो पीसीबी बोर्ड का जो पोर्ट है उस पोर्ट पे आपको पहला और दूसरा पॉइंट है उस पॉइंट पे आपको वोल्ट मीटर लगाना है। तो आप जब ये वोल्ट मीटर को पहले दूसरे पॉइंट पर लगाएंगे, पहले वाले पॉइंट पर लगाएंगे और जो नेगेटिव वाला पॉइंट था, तीसरा पॉइंट था, उस पर लगाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे 6.5 का वोल्टेज आ रहा है। तो दैट मीन्स आपकी गाड़ी काम कर रही है, आपकी गाड़ी के अंदर सप्लाई आ रही है। तो इससे आप देख सकते हैं नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वायर उल्टे लगाए हैं। आप इसको अगर सीधे लगाएंगे तो पता लग जाएगा कि वोल्टेज आ रहा है सही। देखिए अब ये पॉजिटिव में दिखा रहा है, तो इससे पता लग गया कि आपकी गाड़ी वर्किंग कर रही है। तो इट मीन्स आपकी पीसीबी ओके है, इसलिए यहाँ पर ये करंट सप्लाई आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हमें पता लगता है कि अगर करंट सप्लाई हमारे पास आ रही है प्रॉपर कि नहीं आ रही है, हमारी गाड़ी काम कर रही है, तो ये इस चीज़ से आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि हमने जैसे गाड़ी की पावर ऑन कर दी है, आप देख सकते हैं, तो हमारा ये वो जो इसमें आपको गाड़ी ऑन करने के बाद देखिए 5.8 का वोल्टेज दिखा रहा है क्योंकि हमारी गाड़ी की अभी वो चालू है, बैटरी चालू है। आप देख सकते हैं तो गाड़ी को मैंने रिमोट पे ट्रांसमिशन कंट्रोल पे डाला हुआ है, रिमोट हमने ऑन कर दिया है। और इसके बाद हम गाड़ी के अगर टायर को रोटेट करते हैं तो देखिए टायर रोटेट हो रहे हैं, तो इट मीन्स हमारे गाड़ी के टायर काम कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारा फर्ज बनता है कि अब ये हम चेक कराएं कि आपको अगर पीसीबी के पीछे वाला ट्रांसमीटर काम, मतलब जो ट्रांजिस्टर है वो पीछे वाला काम कर रहा है कि नहीं, पीछे रोटेट करने वाला। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो मोटर है उस मोटर पे आपको ये दोनों वायर्स को कनेक्ट करना है, और मतलब आपके जो मोटर की सप्लाई आई है उस सप्लाई में हम यहाँ पर दोनों वायर्स को पीसीबी पर लगा देंगे। और इसके बाद हम मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी को डालने के बाद इसके अब ये दबाएंगे, तो यहाँ से देखिए अभी ये गाड़ी में पीछे वाला फंक्शनिंग काम नहीं कर रही है, तो इसलिए हो क्या रहा है, ये हमारा वोल्ट मीटर बिल्कुल भी पावर सप्लाई नहीं दिखा रहा है। देखिए जीरो आ रहा है। अभी हम इसको अगर मान लीजिए नेगेटिव सप्लाई से जोड़ देते हैं, लगा दिया, इसके बाद देखिए तो इसके बाद भी हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए अब आ रहा है 6.35 जब हमने उसको रेयर में कनेक्ट किया है। अभी हम उसको येलो वाले वायर से कनेक्ट कर रहे हैं और उल्टा लगा रहे हैं, तब भी वो सप्लाई यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब आपकी जो पीसीबी है उस पीसीबी में पीछे का ट्रांजिस्टर कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है। तो इस गाड़ी में एक्चुअली में क्या है, जो ट्रांजिस्टर एक लगा हुआ है वो ख़राब है, वो ट्रांजिस्टर हमें रिप्लेस करना होगा।
और ट्रांजिस्टर किस टाइप के दिखते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। अलग अलग टाइप ट्रांजिस्टर्स देखने को मिलेंगे, कुछ इस टाइप से ट्रांजिस्टर्स होते हैं यहाँ पर, वो आपको देखने को मिलेंगे और ये रिप्लेस करने पर गाड़ी चलने लगती है। और इसी टाइप से कुछ कैपेसिटर्स भी होते हैं, इस टाइप के कुछ कैपेसिटर्स लगे होंगे, वो कैपेसिटर्स भी कभी कभी ख़राब हो जाते हैं। ये रजिस्टर्स होते हैं, ऐसे कुछ रजिस्टर्स भी होंगे, वो भी कभी कभी डैमेज हो जाते हैं। रजिस्टर्स तो बस्ट हो जाते हैं काफ़ी टाइम चलने के बाद। और यहाँ पर एक रिले रहती है, सबसे बड़ा जो रिले का पॉइंट आता है वो रिले सबसे ज़्यादा डैमेज होती है, और रिले चेंज करने से हमारी गाड़ी कई बार काम करती है। तो मैक्सिमम टाइम हमें रिले वगैरह भी देख लेना चाहिए, रिले काम कर रही है कि नहीं कर रही है। रिले से भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो सबसे बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो यही है कि एक बार आपको बैटरी चेक करनी है कि बैटरी पे प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आपको चार्जिंग पे पॉइंट पे देखना है, ठीक है। फिर आगे आप देख सकते हैं, बाकी अगर आपको नॉमिनल आपके पास ये नहीं है तो आप कैसे चेक करेंगे? सबसे मुद्दा आता है कि अगर हमारे पास वोल्ट मीटर नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे? तो बैटरी को चेक करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे देखिए शॉर्ट कर लीजिए। शॉर्ट इजीली आप देखेंगे धुआं सा निकल जाएगा, वायर एकदम गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव पे आप जैसे ही लगाएंगे वायर जलने लगेगा। तो इट मीन्स ये आपकी बैटरी ओके है। दूसरी बात, अगर आप चार्जिंग पे लगाते हैं तो चार्जिंग पे आपको कैसे पता लगेगा कि चार्जिंग में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप क्या करेंगे, जब आप चार्जर को पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से टच करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो चार्जर होगा वो आपका रेड हो जाएगा। जो आपका चार्जर है वो अभी आप देख सकते हैं, चार्जर जो लगा हुआ है मेरे पास, ये चार्जर जो लगा हुआ है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये चार्जर ग्रीन है और जैसे ही हम इसको टच करते हैं आपस में तो देखिए रेड हो जाएगा। देखिए रेड हो रहा है, आप देख सकते हैं ग्रीन है, देखिए रेड हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये रेड हो जाएगा। तो बेसिकली इस चीज़ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारी गाड़ी चार्जिंग हो रही है। अगर वो रेड हो रहा है तो दैट मीन्स हमारी गाड़ी चार्जिंग हो रही है, कहीं ना कहीं करंट सप्लाई पीसीबी बोर्ड तक आ रही है। तो ये दोनों तरीके हैं कि जिससे आप, अगर आपके पास वोल्ट मीटर प्रेजेंट है तो आप वोल्ट मीटर से चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास वोल्ट मीटर नहीं है तो आप उसको विदाउट वोल्ट मीटर डायरेक्ट एक वायर की हेल्प से चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी का पीसीबी डैमेज है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उसको पीसीबी को भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, गाड़ी के पार्ट्स भी प्रोवाइड कराते हैं वो, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस, मतलब मार्केट से काफ़ी कम प्राइस पे आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, मतलब हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करिए, और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई चीज़ के साथ। अगर कोई भी इससे वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।